अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डिग्री कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप इस चीज़ की उम्मीद कि आपको यूनिवर्सिटी वाले मुबारकबाद देंगे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि भाई मैं अपनी डिग्री लेने गया, मैंने सोचा था यार इतनी देर बाद डिग्री देते हुए थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन उन्होंने तो यार वही सीन है जो बाकी गवर्नमेंट के सारे इदारों में होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका तरीकाकार क्या है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का। कितने अरमान लेके एक स्टूडेंट जाता है यूनिवर्सिटी, 4 साल लगाता है, हॉस्टल लाइफ गुजारता है, बाहर के खाने खाता है, अपना स्टमिक ख़राब करता है, क्या कुछ नहीं करता, और आखिर में जॉब तो मिलती नहीं है। और एक पीस ऑफ पेपर जो लेना होता है स्टूडेंट ने, वो भी उसको बहुत ज़्यादा तंग करके दिया जाता है। शायद ये हमारा मैनेजमेंट का ही मसला है। भाई जॉब्स के बारे में तो क्या बताना, ये तो डिग्री तक देने के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन सही देते। तो आपको करना क्या है डिग्री लेने के लिए? अच्छा, ये जो कॉन्वोकेशन के लिए जो 1000 फीस आई हुई थी वो देना बिल्कुल फजूल था, वो आप ना ही देते तो, क्योंकि मैंने पे कर दी हुई थी और उसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ आपको अपनी DMZ की एक कॉपी चाहिए और अपने ID कार्ड की एक कॉपी चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी के 6 नंबर गेट से अंदर एंटर होना है। आपको राइट साइड पे तकबीर ब्लॉक नज़र आएगा, तकबीर ब्लॉक से आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन आपने पहले वहाँ नहीं जाना, आपने पहले जाना है फोटो स्टेट की शॉप है जो कि जिसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। वहाँ से आपने डिग्री फॉर्म लेना है, डिग्री फॉर्म को आपने फिल कर देना है सारा। ये मैं तमाम लोगों के लिए बता रहा हूँ, यही मेथड है जो अफिलिएटेड कॉलेज से किया हुआ है, जिन्होंने जिसी की कोई भी ब्रांच से, या फिर अगर जिसी यूनिवर्सिटी से खुद से की हुई है, अगर आपने जिसी यूनिवर्सिटी से कैंपस से की हुई है तो आपको जल्दी यूनिवर्सिटी डिग्री दे देगी, नहीं तो आपको कुछ टाइम भी लग सकता है अगर आपने कैंपस से की हुई है तो, क्योंकि उसमें आपको पहले डिग्री के लिए अप्लाई वगैरह करना होता है, थोड़ा सा उसका अलग प्रोसीजर वगैरह होता है। आपने फॉर्म को फिल करना है, DMZ की कॉपी साथ लगानी है और ID कार्ड की कॉपी साथ लगानी है। उसके बाद आपने चले जाना है तकबीर ब्लॉक में। तकबीर ब्लॉक में राइट साइड पे एक कैबिन होगा, आपने वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करवा देने हैं, वो आपका अंदराज वगैरह कर लेगा। उसके बाद वो आपको एक टोकन दे देगा, वो टोकन लेके आपने उसी ब्लॉक के कमरा नंबर 4 में जाना है, जहाँ पे एक सर बैठे होंगे हाफिज अदनान साहिब, उनको आपने वो अपना दिखाना है टोकन नंबर, और वो टोकन नंबर से टोकन नंबर के बाद आप उनको अपने DMC दिखाएं, वो DMC से आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या ID कार्ड वगैरह नंबर जो है सर्च करेंगे और सर्च करके बताएंगे कि आपकी डिग्री आ गई हुई है या नहीं। देखिए, जिन्होंने तो अपनी डिग्री की है यूनिवर्सिटी से उनकी तो मिल जाएगी उनको जल्दी, लेकिन जिन्होंने नहीं की हुई तो उनको कुछ टाइम भी लग सकता है, वो सर्च कर लेंगे, सर्च करके बताएंगे आपको। और आपको आपकी डिग्री है चाहे आई हो या आपने कहीं और से की हो, चाहे ना भी आई हो, ना आई हुई तो आपको कुछ टाइम बाद मिलेगी, लेकिन अगर आई भी हुई तो भी आपको उसी दिन नहीं मिलेगी, आपको एक दिन के बाद आना होगा। अब ये यूनिवर्सिटी का जो था ये मुझे समझ नहीं आया, ये मेरी समझ से बड़ा डर था कि यार डिग्री आई पड़ी है और आप लोग दे ही नहीं रहे, इतनी मुश्किल से स्टूडेंट्स अपना दूर दूर से आए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से गया था सफ़र करके स्पेशल, और जब उन्होंने कहा कि डिग्री आई हुई है और आपको कल मिलेगी तो मैं तो हैरान था यार। मतलब आपको फूलों के हार पहनाने चाहिए यार कि हमने डिग्री हासिल की है और आ लोग कौन से हार पहना रहे हैं ये पता नहीं। तो उसके बाद मैं टीचर के पास गया और मैंने कहा सर देखिए मैम मिलाना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे एक टीचर के बारे में, एक और वहाँ के थे उसी ब्लॉक में बैठते हैं टीचर, उनका कहा कि उनके आप साइन लें। मैं उनके साइन लेने के लिए गया, उन्होंने दोबारा कहा कि उसी बंदे से साइन करवा के लाओ जिससे आपने डिग्री लेनी है, कि वो बताए कि आपकी डिग्री आई हुई है या नहीं, तो मैं साइन करूँगा। फिर मैंने उसके साइन करवाए, फिर मैंने दोबारा जाके उन सर के साइन करवाए, और इतने में जनाब साहब लंच ब्रेक हो गई। और लंच ब्रेक के बाद मैं दोबारा गया उनके पास कि सर मेरे साइन वगैरह हो गए हैं। तो उन्होंने कहा यार आपका जो केस था ना, केस जो कि आपने कैबिन में जमा करवाया था, वो आगे फॉरवर्ड हो गया है। अब आगे कहाँ फॉरवर्ड हुआ है, ये वहीं पर फॉरवर्ड हुआ था जहाँ पर जिन सर के मुझे सिग्नेचर लेने को कहा गया था। उनके ऑफिस में गया और उनका कहा कि सर मेरा केस नंबर मुझे दे दीजिए, और केस नंबर जब लिया और उस केस नंबर को मैंने जाके दिखा, वो केस नंबर वही होता है हमारा जो कि आपने कैबिन में जमा करवाया होता है, ठीक है। वो केस नंबर लेकर मैं कमरा नंबर 4 में दोबारा गया, और काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होने के बाद, तकरीबन 6 घंटे 7 दिन लाइनों में खड़ा होने के बाद एट द एंड मुझे डिग्री इशू हो गई। तो गाइज ये प्रोसीजर है, सिंपल सा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, बस आपको
थोड़ा सा तंग किया जाएगा यह जितलाने के लिए यार कि तुमने 4 साल लगाए हैं, उसका फल भी आपको 6 घंटे लाइन में खड़ा होकर मिलेगा 2 साल के बाद अगर आप डिग्री लेने जा रहे हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से। तो गाइस यही वो मेथड था, तो आप लोग भी ऐसे ले सकते हैं। तो अगर आपको लेनी है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।